नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज हम आपके सामने पॉलिटी का थर्ड लेक्चर लेके आ रहे हैं। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो एक तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रेम्बल के बारे में, और एक हम पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने पिछले दो लेक्चर्स में कवर किया उसका एक रिकैप लेके हम क्विक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ देखने को मिलती है, साथ ही साथ जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। और इसके बाद साथियों, ये डाउट ग्रुप है हमारा, अगर आपका कॉम्पिटिशन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्विज चैनल है, डेली क्विजेज के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ए टू बी क्विज ये इसका हैंडल है। ठीक है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो वहाँ से जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं साथियों। सबसे पहले लेक्चर में हमने इन दो बातों के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहला था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हमने पढ़े थे कि कैसे जो वेरियस एक्ट्स थे वो पिक्चर में आते हैं, और फाइनली हमारा अगस्त ऑफर से, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को मान लिया जाता है, और कैसे फिर आगे प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जाना था, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, फॉर्मेशन के बाद इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस के बाद इसकी मीटिंग्स में, तीन मीटिंग्स के बारे में हमने चर्चा की थी, और उन मीटिंग्स में क्या क्या चीज़ें सिग्निफिकेंट थी वो हमने पढ़ी थी। उसके बाद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज़ कौन कौन थी, ठीक है, और मेजर कमेटीज़ में कौन कौन चेयरमैन थे वो सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद साथियों, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने अपने सेकेंड लेक्चर में कवर किया था, और इसमें हमने वेरियस सोर्सेज के बारे में जाना था कि कहाँ से जो मेन एलिमेंट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं उनके प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं। इसके बाद साथियों, हमने उसी लेक्चर में यूनिटरी और फेडरल फीचर्स के बारे में बताया था कि कौन सा फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनिटरी है, और कौन सा फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल है। और वहीं पर हमने यूनिटरी और फेडरलिज्म के बारे में डिफरेंस भी जाना था कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिज्म में क्या फ़र्क होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साथियों अपना प्रीएम्बल, जिसको बोला जाता है प्रस्तावना। ठीक है, ये प्रस्तावना किसकी है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है। मतलब सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि जो आपका प्रीएम्बल होता है ना, ये आपको बेसिक फिलॉसफी प्रोवाइड करता है, बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कैसे समझेंगे हम, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपकी कोई नोटबुक होती है, उसके उससे पहले जो प्रोलॉग लिखा जाता है, मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि उसकी जो समरी होती है ना, कि पूरे उस किताब में कितने करेक्टर्स होंगे, उनका क्या क्या रोल होगा, ठीक है, और जो पूरा आप मतलब उस पर्टिकुलर समरी को पढ़ के आप पूरा ये अंदाजा लगा पाएं कि इस पूरी किताब में क्या चलने वाला है। ठीक है, तो उस तरीके का ये एक एलिमेंट है कि इसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मूल भाव क्या है। ठीक है जी, तो एक तरीके के आप ये बोल सकते हैं इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, तो उसका सही आंसर होगा प्रीएम्बल। ठीक है जी, अब आपने प्रीएम्बल जो है अपनी छोटी क्लासेस की बुक में देखा होगा, एनसीईआरटी में ये पहले पन्ने पर लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें से चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहला सोर्स एंड अथॉरिटी, दूसरा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और चौथा डेट ऑफ अडॉप्शन। तो ये चार प्रमुख चीज़ें दी गई हैं हमारे प्रीएम्बल में। तो सबसे पहली बात है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो है पीपल, जो हम लोग हैं। ये साफ इसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब साथियों ये खुद देखो, हमने रिजोल्व किया इस चीज़ को, ठीक है, मतलब हमने ये प्लेज ली है कि हम इंडिया को कैसा बनाएंगे, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो अथॉरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कौन है, वो हम लोग हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, दूसरी बात, अब ये जो नेचर है ना इंडियन स्टेट का, ये हमें कैसे पता चलता है कि इंडियन स्टेट कैसी होगी, तो वो आपको ये पढ़ने से पता चलता है कि हम इंडिया को कैसा बनाएंगे, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सभी के मीनिंग्स हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे इंडिविजुअली। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का भी आपको कहाँ से पता चलता है, प्रीएम्बल से। तीसरी बात, अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहता है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें इस लाइन से पता चलता है कि हमें जस्टिस किस टाइप का चाहिए, सोशल भी, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी, जो कि हमने कैसे कैसे मिलता है। अब देखो, सोशल जस्टिस जो होता है, जैसे आप सभी के साथ समान बिहेव किया जाएगा, ठीक है, तो समान बिहेव अगर आप पढ़ें, आप सभी के साथ एक तरीके का बिहेव किया जाएगा, वो आपको पता होगा कि आपको अंडर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो एक तरीके से आप हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं।
राइट टू वोट है आपको, तो ये एक तरीके का आपको पॉलिटिकल जस्टिस दे रहा है, ठीक है। आपके पास राइट टू लिवलीहुड है, ये आपकी डीपीएसपी में मेंशन है, तो ये एक तरीके का क्या क्या दे रहा है आपको, इकोनॉमिक जस्टिस दे रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें इलेबोरेटली लिखी गई हैं, तो उनका जो मूल भाव निकल के आता है ना, वो आपके प्रीएम्बल में दिखता है। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। लिबर्टी आपको किस किस चीज़ की दी गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और लिबर्टी साथियों, मैं यहीं पर आपको एक क्लियर कर दूं कि जो लिबर्टी होती है ना, आपने दो स्टेटमेंट पढ़ी होंगी, मतलब दो दो वर्ड पढ़े होंगे, एक लिबर्टी होता है और दूसरा होता है फ्रीडम। इन दोनों में बहुत फर्क है साथियों, आपको लगता है कि ये सिमिलर है बट ऐसा नहीं होता है। लिबर्टी जो होती है ना साथियों, लिबर्टी मतलब होता है कि आपको उतनी छूट दी जाए जितना आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है। दूसरी भाषा में मैं आपको अब समझाना चाहूँ तो एक टोटल फ्रीडम विद सम रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आपको ये फ्रीडम दी जाती है। लिबर्टी का मतलब ये है, यहाँ पर आपको खुली छूट नहीं है कि आप कुछ भी चाहो वो कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, तो अंडर फंडामेंटल राइट्स आपको आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम दी गई है, ठीक है, जैसे स्पीच की, एक्सप्रेशन की, असेंबली बनाने की, बट वहां पर आपको एक सर्टेन लिमिटेशन दी गई है। किसके अंडर? अंडर 19 आर्टिकल सब क्लोज 2 के अंडर। तो अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं कि इन इन फ्रीडम्स को इन इन रिस्ट्रिक्शंस पर रोका जा सकता है, मतलब इन ग्राउंड्स पर इसको रोका जा सकता है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो लिबर्टी होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलती है, जबकि फ्रीडम का मतलब है आप खुले हो बिल्कुल, आपका जो मन चाहे आप वो कर सकते हो। वो चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता है, ठीक है। तो लिबर्टी और फ्रीडम में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो लिबर्टी जो है ये हमने किसकी दी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सभी चीज़ आपका फंडामेंटल राइट्स जो है गारंटी करता है। देखो, वर्शिप की अंडर आर्टिकल 25 आपको है, फेथ अंडर आर्टिकल 25 आपको है, थॉट एक्सप्रेशन आपको अंडर आर्टिकल 19 दिया हुआ है, ठीक है जी। इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात आपका अंडर आर्टिकल 14 करता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 14 आप इक्वालिटी को अचीव कर पाते हो, और इक्वालिटी आपको कैसी देनी है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब साथियों देखो, अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 15 एंड 16, ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़। और फ्रेटर्निटी, भाईचारे की फीलिंग आपको लानी है, भाईचारे की फीलिंग आपको कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो गारंटी करता है, तो ये आपको देता है। सबसे पहली चीज़ है सिंगल सिटीजनशिप, आपके पूरे इंडिया में आपको केवल एकल नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी। एकल नागरिकता से मेरा मतलब ये है कि हम सभी भारतीय हैं, ठीक है, हम सभी भारतीय हैं, तो हमारे साथ ये जो जुड़ने वाली फीलिंग है ना, यहाँ पर ये आपको आ रही होगी। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि कोई दूसरी टीम का मैच होता है, स्पेशली जैसे पाकिस्तान का मैच होता है, तब आप बहुत खुश होते हो और आप सभी ये चाहते हो कि मतलब हमारा भारत जीते, तो वो वाली जो फीलिंग आती है ना, वो कुछ अलग ही होती है, और वो यही वाली फीलिंग है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप समझ पाएंगे। और सिंगल सिटीजनशिप के साथ साथ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ब्रदरहुड की काफ़ी चर्चा की गई है, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कवर कर रहे होंगे, ठीक है जी। इसके बाद एक चीज़ और, आपका जो प्रीएम्बल है वो इंश्योर करता है कि आपकी डेट ऑफ अडॉप्शन क्या रही होगी। तो डेट ऑफ अडॉप्शन इसमें सा मेंशन है, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट। ध्यान देना, हमने इस दिन अडॉप्ट किया है, ठीक है, और हमने इसको कमेंस कब किया है साथियों, इसको कमेंस किया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब साथियों देखो, अब हम इनके जो मीनिंग्स थे ना, जो वर्ड हमने पढ़े थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और तीन टाइप के जस्टिस हमने देखे थे। इक्वलिटी हमने देखी थी दो टाइप की, लिबर्टी हमने देखी थी पांच टाइप की, और फ्रेटर्निटी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा प्रेमबल, ठीक है जी। तो प्रेमबल के बारे में देखें तो हमने दो फैक्ट और पढ़ने थे प्रेमबल के, वो एक तो ये था कि ये जो था प्रेमबल, ये किस नेचर का होता है, तो ये नॉन जस्टिशियेबल नेचर है। मतलब अगर आपका ये प्रेमबल वॉयलेट होता है, तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि मतलब प्रेमबल में ये चीज़ दी गई है तो ये चीज़ मेरी पूरी नहीं हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं, उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि वो जस्टिशियेबल है नेचर में, बट आपका जो प्रेमबल है वो जस्टिशियेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद साथियों, बेसिक फिलॉसफी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फिलॉसफी है वो कहाँ से पता चलती है, तो वो प्रेमबल से पता चलती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं सॉवरन, सॉवरन का मतलब क्या होता है। सॉवरन का मतलब होता है जो इंडिया है ना, इंडिया एज अ स्टेट जो है वो अपने आप में सुप्रीम है, ठीक है, और वो किसी भी मैटर पर, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो चाहे वो उसका इंटरनल मैटर हो, उस पर वो लेजिस्लेट कर सकता है अपने आप पे, ठीक है, विदाउट एनी अनड्यू प्रेशर, किसी प्रेशर के दबाव में आए बिना वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे, तो पिछले कुछ मंथ में एक यूएस ने स्टेटमेंट दिया था कि जब आपका ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम पे रशिया ने अपनी ऑयल जो था
उसको सस्ता कर दिया था और इंडिया के साथ ये बोला था कि इंडिया इसको परचेज कर सकता है, तो इंडिया ने वहाँ से डिस्काउंट में वो ऑयल परचेज किया, ठीक है जी। अब रशिया, ये अभी यूएस का ये एलिगेशन था कि इंडिया ने यूएस से परचेज क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर इंडिया का स्टेटमेंट ये था, जो मिनिस्ट्रीज के जो एमईए के स्पोक पर्सन थे उनका स्टेटमेंट ये था साथियों कि इंडिया का ये अपना खुद का इंटरेस्ट है, ठीक है जी। तो इसमें वो किसी दूसरे की मतलब ना तो बात सुनने के लिए बाध्य है, और इसमें वो अपने आप जो उसके इंटरेस्ट जहाँ पर फुलफिल होते हैं वहाँ वो चीज़ वो करेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम अपना ये जो सॉवरन फीचर था ना इसको एक्सरसाइज कर रहे थे उधर, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी इधर। इसके साथ साथ साथियों आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो सॉवरन होता है ना उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कई बार आपने सुना होगा चर्चा में कि हम यूएन का पार्ट बन गए, ठीक है, अब जो यूएन जो बोलता है वो हम करते हैं, बट ऐसा नहीं है साथियों। यूएन का पार्ट हम अपनी मर्जी से बने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट हम अपनी मर्जी से बने हैं, और वहाँ पर जो उनके मैटर्स होते हैं ना वो एक ये होता है कि आपको इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना होता है, ठीक है जी। जब तक वो मेंटेन हो रहा है तब तक वो ठीक है, अगर ऐसा आपको ऐसा लगे कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो हर्ट हो रहे हैं तो सबसे पहली प्राइमेसी आप अपने इंटरेस्ट को देते हो, ठीक है जी। ये चीज़ आपने कई बार देखी भी होगी। इसके बाद बात करेंगे सोशलिस्ट की। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब है कि जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं जैसे वेल्थ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक के और कोई रिसोर्सेज हैं वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ताकि सबको इक्वल मौका मिल पाए, ठीक है, और सब एक इक्वल स्टैंडिंग पे हो पाए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जस्टिस को साथियों डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला जाता है, ठीक है जी। और इंडिया कैसा सोशलिज्म फॉलो करता है? तो वो फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और इसी जो मैंने आपको बताया ना कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी वेल्थ के रिसोर्सेज हैं, उनको इक्वल शेयर करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सबको, कि सब एक इक्वल स्टैंडिंग पे रह के उन चीज़ों को अचीव कर पाएँ, तो इस पर्टिकुलर सोशलिज्म को बोला जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, जो कि इंडिया फॉलो करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और एक और चीज़ ये हमने सोर्सेज में पढ़ी थी कि सोशलिज्म को हमने कहाँ से बोरो किया है, तो उसको हमने बोरो किया साथियों रशिया से, ठीक है। तो सेकुलर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इस अगली स्लाइड पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। तो सेकुलर साथियों कोई स्टेट जो सेकुलर, किसी स्टेट को हम सेकुलर कब बोलते हैं, मतलब किसी भी स्टेट को सेकुलर हम तब बोलेंगे जब उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, नो ऑफिशियल रिलीजन, मतलब स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। मतलब आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो उस स्टेट में, पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया, ठीक है जी। अब देखो स्टेट तीन टाइप के हो सकते हैं, एथिस्टिक स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट और सेकुलर स्टेट। एथिस्टिक जो स्टेट होते हैं ना, ठीक है, अनास्तिक जो स्टेट होते हैं उनमें कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, जबकि जो थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं, थियोक्रेसी का मतलब होता है गॉड से रिलेटेड होता है ये चीज़, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक रिलीजन फॉलो किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में सऊदी अरेबिया, वहाँ इस्लाम फॉलो किया जाता है, श्रीलंका यहाँ बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, नॉर्थ कोरिया जैसे, क्यूबा जैसे, इनके कोई रिलीजन नहीं है, इनका कोई भी रिलीजन नहीं है, तो ये एथिस्टिक स्टेट होंगे। जबकि सेकुलर स्टेट क्या होंगे, जहाँ पर सभी रिलीजन को हैप्पीली प्रैक्टिस किया जाएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, सेकुलर का मतलब क्या है, जब स्टेट का अपना कोई रिलीजन हो, ठीक है, नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। इसके बाद डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग के अधिकार से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाए और फर्दर फिर ये रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए क्या बनाए, कानून बनाए। तो इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी फॉलो की जाती है, तो दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं वो करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट से मेरा मतलब क्या है कि आप एक बात बताओ, जो आप एमएलए और एमपीज को चुनते हो वो फर्दर आपके लिए इलेक्ट करेंगे, मतलब आपने जैसे एमएलएज को चुना, एमपीज को चुना, ठीक है साथियों, अब ये जो एमएलए एमपीज हैं ये आपके लिए क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, ठीक है। आप लॉज डायरेक्ट तो नहीं बना रहे हो, आप डायरेक्ट मतलब लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हो, तो आप जो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हो वो कैसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है जी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, ये स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, वहाँ पर लोग जो हैं खुद लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ कि इंडिया में हम कैसी डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। और डेमोक्रेसी में आपको पता होगा, डेमोक्रेसी में एक फेमस स्टेटमेंट बोली जाती है, जो कि बोली थी किसने, अब्राहम लिंकन ने, कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, लोगों के लिए है डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा है डेमोक्रेसी, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट थी अब्राहम लिंकन की। और यहाँ पर सुप्रीम कौन होते हैं, तो लोग सुप्रीम होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मान लो आपने किसी सरकार को चुना, आपने एक्स वाई जेड सरकार को सुना, ठीक है, और ये जो एक्स वाई जेड सरकार है ना, इसने आपके लिए एक ऐसा कानून बनाया कि मतलब आप उन चीज़ों से ना खुश हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक फिक्स टाइम पीरियड दिया हुआ है 5 साल, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि इन 5 सालों में सरकार के जो मतलब वादे थे, जो मैनिफेस्टो सरकार ने दिया था वो फुलफिल नहीं किया,
अगले 5 साल बाद आप इनको वो क्या कर दोगे, रिटायर कर दोगे, ठीक है, आप दूसरी सरकार को चुन लोगे। तो यहाँ पर जो पावर एक्चुअली में प्रैक्टिस की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, लोगों के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई डेमोक्रेसी की। तो इंडिया में हम कैसी डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे, रिपब्लिक का मतलब क्या है। तो साथियों रिपब्लिक होता है और एक होता है मोनार्की, एक होता है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, किंग होते हैं, जैसे आप अधिकतर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो देखते हो, जैसे वियतनाम, ठीक है, जैसे थाईलैंड वगैरह जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं आपको राजा दिखेंगे। आपको जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगी। तो वहाँ पर क्या प्रैक्टिस की जाती है, मोनार्की प्रैक्टिस की जाती है, जबकि जो इंडिया है वहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। रिपब्लिक सिस्टम का मतलब क्या है, जो आपके हेड ऑफ स्टेट हैं, जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है। वो किसी मतलब उनका परिवारवाद नहीं चलता है। जैसे मान लो कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, वो इंडिया का प्रेसिडेंट था, कल को ऐसा नहीं हो सकता कि इसका बेटा वापस से प्रेसिडेंट बन जाए। उसको इलेक्शन प्रोसेस में बाकायदा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर वो जीतता है तो ही वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं मिलती उनको, ठीक है, ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। तो रिपब्लिक में और मोनार्की में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। एक वर्ड आप कई बार सुनते होंगे न्यूज़ में जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ प्रैक्टिस की जाती है साथियों, तो ये आपको दिखती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो ये दिखती है आपको यूके में। वहां पर क्या है, तो वहां पर आपको क्या दिखती है, वहां पर आपको मोनार्की भी दिखती है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी है वहाँ। कैसे कि भाई वहाँ पार्लियामेंट भी है, ठीक है, और मिनिमम हेड के लिए वहाँ पर एक किंग भी है, ठीक है। तो वो जो प्रैक्टिस करते हैं सिस्टम, सोशल जस्टिस हो रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे 15-16 के तहत आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलेगी, बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। इनफैक्ट आपको कुछ रिजर्वेशन भी दिए जाएंगे अगर आप डिप्रेस्ड क्लासेस से हो तो। पॉलिटिकल जस्टिस, आपको राइट टू वोट है, साथ ही साथ आपके लिए अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो आपके लिए सभी पब्लिक ऑफिस जो हैं वो खुले हुए हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है जी। तो फ्रेटर्निटी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम लिबर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। लिबर्टी और फ्रीडम के डिफरेंस में आपको बता चुका हूँ। जो लिबर्टी है दैट कम्स विथ सर्टिन रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जबकि फ्रीडम में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो लिबर्टी और फ्रीडम को आपको अलग अलग ट्रीट करना है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कैसे मिलती है। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी दो टाइप की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, ये हम आर्टिकल 15 और 16 के तहत अचीव कर पाते हैं। फ्रेटर्निटी, भाईचारे की फीलिंग, सिंगल सिटीजनशिप और फंडामेंटल ड्यूटीज में इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। और सिंगल सिटीजनशिप से मतलब वो कैसे मिलती है फ्रेटर्निटी, ये हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में कवर किया था। अब देखो साथियों, ये चीज़ सारी हम कवर कर चुके हैं, डेमोक्रेसी, सेकुलर, लिबर्टी और फ्रीडम का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो साथियों, अब मेन बात आती है कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, यस, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ से निकल के आती है, तो 1973 में, 1973 में एक फेमस केस होता है जिसको बोला जाता है केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो ये बहुत फेमस केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में। तो इसमें क्या होता है साथियों, इसमें एक फीचर निकल के आता है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर केस में ये निकल के आता है कि हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, कंडीशन बीइंग कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, जैसे फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सारे जो फीचर्स हैं ना, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो ये फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेट नहीं होने चाहिए। बाकी फीचर्स को आप अमेंड कर सकते हो। और इसी के तहत 42वें संवैधानिक संशोधन से 1976 में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया प्रीएम्बल में। सबसे पहले सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर इंटीग्रिटी। और ये इसी टाइम क्यों ऐड की गई, तो साथियों आप देखो बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा इस टाइम पे, इमरजेंसी का टाइम था ये, ठीक है, इंदिरा गांधी का टाइम। तो हम चाहते थे कि लोग सेकुलर रहें, ठीक है, धर्म के नाम पर कोई लड़ाई वगैरह ना हो, और इसी टाइम पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा था, ठीक है, और भाईचारे की फीलिंग लोगों में जुड़े, लोग इंटीग्रिटी दिखाएं, मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी का वोलेशन वगैरह ना करें, ज्यादा प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय वगैरह ना करें, ठीक है। तो ये चीज आप बैकग्राउंड समझ पा रहे होंगे कि इस टाइम पर ये वर्ड क्यों जोड़े लेते हैं, ठीक है। और सोशलिज्म का तो आपको पता है, जो गांधी फैमिली है वहां पर जो उनका टिल्ट है वो थोड़ा सोशलिस्ट टिल्ट है, तो इसलिए ये वर्ड जोड़े गए थे। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। तो
अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेमबल को क्या अमेंड कर सकते हैं, तो उसका आंसर है बिल्कुल हाँ, उसको अमेंड किया जा सकता है। कितनी बार अभी तक अमेंड हुआ है? तो एक बार अमेंड हुआ है। कब हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके तहत तीन वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट वन में मेंशन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट वन है, पार्ट वन आर्टिकल 1 से 4 के तहत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 जो है वो पार्ट वन के अंदर आते हैं। और अनुच्छेद 1 में, पहले अनुच्छेद में क्या मेंशन है, तो उसमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और ध्यान देना साथियों, यहाँ पर वर्ड इंडिया भी यूज हुआ है और भारत भी यूज हुआ है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उनकी जो डिबेट्स होती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पार्लियामेंट की तरह भी काम करती थी, और आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने वाली बॉडी थी उसकी तरह भी काम करती थी। तो जब पार्लियामेंट की तरह वो काम करती थी, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर डिबेट्स होते होंगे। तो वहाँ पर इस बारे में भी काफ़ी चर्चा की गई थी कि इंडिया का नाम क्या रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए या ट्रेडिशनल वैल्यूज को कंजर्व करते हुए भारत रखना चाहिए। तो इन्हीं दोनों का मिक्सचर हमने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा कि इंडिया भी रखेंगे और भारत भी रखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में साफ मेंशन है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ध्यान देना साथियों, फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर यूनियन वर्ड का यूज हुआ है। और यूनियन वर्ड से मेरा मतलब ये है कि कोई भी जो इंडिया की स्टेट्स हैं, मतलब जैसे मान लो आप ये पूरा इंडिया है ना, जैसे भारत वाला मैं इंडिया बोलूं और इसके अंदर ये छोटी छोटी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है ना वो यूनियन है इन स्टेट्स का, ठीक है, इनसे मिलके बनाया। मतलब कोई भी स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो सीड हो जाए, मतलब इस संघ से अलग हो जाए, ठीक है। तो किसी भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है। साथ ही साथ ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, तो इन स्टेट्स का जिक्र कहाँ किया हुआ है? पहली अनुसूची में किया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज आपको क्लियर हुई। आर्टिकल 2 पे चलते हैं। तो आर्टिकल 2 में बात की गई है कि अगर हमें कोई भी नई टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करना है अपने भारत में, ठीक है, इंडिया में, तो वो कैसे किया जाएगा। तो उसके बारे में जो सारे प्रोविजंस वगैरह दिए हुए हैं वो इस आर्टिकल 2 के तहत दिए हुए हैं। और ये बताया गया कि ये पावर किसके पास है? केवल पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में काफी डिफरेंस होता है, मतलब ओवरलैपिंग है। तो यहां पर मैं एक डिफरेंस क्लियर कर दूं आपको कि आर्टिकल 2 में साथियों नई टेरिटरी के बारे में चर्चा की गई, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, तो पहले मैं आर्टिकल 3 आपको बता देता हूं। इसमें क्या है कि आपको कोई भी नई स्टेट बनानी है, ठीक है, और नई स्टेट किससे बनानी है? एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उनमें से, मान लो आपने उसके बाउंड्री को चेंज करके एक नई स्टेट बना दी। आर्टिकल 3 का जो बेस्ट एग्जांपल है साथियों वो क्या है, जैसे आपने तेलंगाना बनाया आंध्र प्रदेश से अलग करके, यूके आपने बनाया, उत्तराखंड आपने यूपी से अलग करके बनाया, बिहार से अलग करके आपने झारखंड बनाया, ठीक है। उड़ीसा का नाम चेंज करके आपने उड़ीसा रख दिया, और ये किया था 2011 में, ठीक है। अगर आप नेट पे डालेंगे तो आपको मिलेगा पार्लियामेंट्री करके एक एक्ट मिलेगा उड़ीसा का, ठीक है, तो वो 2011 में लाया गया था। और ऐसा क्यों लाया गया था? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों काम कौन करेगा? केवल पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिससे ये नेम चेंज कर दिया गया। साथ ही साथ अब ये जो चीज चेंज की गई है, यहाँ पर आप ध्यान देना, आर्टिकल 3 के तहत मैंने ये 3 एग्जांपल के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज किया, जबकि आर्टिकल 2 के तहत हमने एक नई स्टेट फॉर्म की है। जैसे सिक्किम थी, ये एक राजा के अंडर थी, राजा के तहत थी। उसके बाद ये जो गोवा था, ये पोर्चुगीज कॉलोनी थी, पुडुचेरी थी, ये फ्रेंच कॉलोनी थी, ठीक है। इन्होंने अपने हथियार छोड़ के, मतलब ये वापस चले गए थे, और इंडिया ने फिर इन स्टेट्स को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इन स्टेट्स को वापस इंडिया में क्या किया था, इनकॉर्पोरेट किया था। तो ये जो स्टेट्स थी ये पहले इंडिया का भाग नहीं थी, ठीक है, बाद में इंडिया का भाग बनी थी। तो इनको आर्टिकल 2 के तहत इंडिया में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 4 में जो मेंशन है ना साथियों, उसमें ये मेंशन है ना कि कोई भी बाउंड्री या किसी का नेम चेंज कर रहे हैं उस स्टेट का, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा, उसको एक सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। जैसे हमने उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा रख दिया, ठीक है, तो उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा जब हमने रखा, तो ये हमने एक सिंपल मेजोरिटी से किया हुआ है काम, ठीक है। एक हम एक्ट लाए होंगे, उसको रखा होगा अपने लोकसभा राज्यसभा में, पास किया होगा, वहां से पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया होगा, और ये जो चीज है ये आपके चेंज होगी होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो साथियों ये था हमारा पार्ट वन, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी, और कुछ जो भाई हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमने पॉलिटी की पहली लेक्चर और दूसरे लेक्चर अपलोड किया हुआ है, और इसी सीरीज में हम पॉलिटी को कंप्लीट करा रहे हैं, और ये हमारा आज थर्ड लेक्चर था। साथ ही साथ सीआरपीएफ के जो बेस्ट क्वेश्चन थे मैथ्स के, उनका पार्ट वन अपलोड हो चुका है, पार्ट टू जल्दी आने वाला है साथियों, ठीक है। थोड़ा टाइम हमें कम मिलता है, तो उसके चलते हम जितनी वीडियोज आपके लिए बना सकते हैं उतना एफर्ट्स हम पुट इन करते हैं। और कंप्यूटर के हम 2 या 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं सर, उनको भी आप देख सकते हो।
और ये जो बेस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है इनके तीन तीन पार्ट रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी विद वीडियो सॉल्यूशन हमने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा और वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अपॉइंटमेंट्स की ये जो वीडियो है ये साथियों कल अपलोड हो चुकी है, इसमें हमने मार्च 2023 के टॉप 25 जो 25 से 26 जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में विद स्टैटिक नॉलेज जो उनसे रिलेटेड थी उससे हमने इसको पूरे डिटेल व्यू मतलब डिटेल तरीके से हमने इसको बताया, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी हम और भी वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली के साथ रहें। जय हिंद।